गोगामेड़ी हत्याकांड में किससे हुई चूक, पुलिस या पूर्व सरकार, कौन जिम्मेदार, सुरक्षा देने में क्यों की लापरवाही। राजस्थान में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद से बवाल हो रहा है। जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो या टोंक, कोटा हो या जालौर, हर जगह विरोध की गूंज सुनाई दे रही है। हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस मशक्कत कर रही है, लेकिन अगर ये मशक्कत पुलिस इस आक्रोश से पहले कर लेती तो शायद ये नौबत ना आती। क्योंकि राजपूत करणी सेना चीफ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस मामले में जानकारी निकलकर सामने आई है कि गोगामेड़ी को पहले से मालूम था कि उसकी हत्या होने वाली है। एक निजी चैनल के दिए इंटरव्यू में गोगामेड़ी ने बताया था कि उसकी जान को खतरा है, कुछ अपराधी उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से वो समाज के लिए लड़ाइयां लड़ते थे, ऐसे में उनके परिवार को भी हमेशा से उनकी हत्या का डर लगा रहता था। यही वजह है कि गोगामेड़ी ने जयपुर पुलिस से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। इस मामले में ये बात भी सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस की AGTF को गोगामेड़ी हत्या की साजिश के बारे में कई महीने पहले से जानकारी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पुलिस ने इस बारे में राजस्थान पुलिस को फरवरी के महीने में जानकारी भेजी थी। बता दें कि संबंध में पंजाब पुलिस की स्पेशल DGP ने राजस्थान के DGP को लेटर भी लिखा था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में उनकी पत्नी शीरा शेखावत ने जयपुर के श्याम नगर थाने में जो FIR दर्ज कराई है, उसमें पूर्व CM अशोक गहलोत और DGP का जिक्र साफ लिखा है कि बार बार सुरक्षा की मांग करने के बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। इन सब से साफ जाहिर है कि अगर वक्त रहते करणी सेना अध्यक्ष की सुरक्षा को पुलिस या सरकार गंभीरता से लेती तो इतनी बड़ी वारदात ना होती। एक पत्नी का सुहाग यूं ना मिटता, हंसते खेलते परिवार की खुशियां खत्म नहीं होती। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।